हम सब कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी सुधाकर से बात करने के लिए, लेकिन निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना। जी सुधाकर, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी आ रहे हैं, आपको मिल रहा है? जी जी मेरी आवाज आपको मिल रहा है? जी हम सुन पा रहे हैं। सुधाकर अपनी बात पूरी रखें, प्रधानमंत्री का इस दौरे के क्या मायने और किस तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण? देखिए आर्यन, बेहद ही ऐतिहासिक दौरा, और आपने तस्वीरों में देखा फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने उनको रिसीव किया यहाँ एयरपोर्ट पर। तो आप समझ सकते हैं दौरे की शुरुआत हुई है पीएम मोदी की टीम की सबकट कर लेगा वो, तो उन्होंने पीएम मोदी को रिसीव किया और उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है पीएम मोदी को। और ये तस्वीरें रोकना चाहूंगा, हम वहाँ के एम्बियंस अपने दर्शकों को सुनाना चाह रहे हैं, ये सुनिए। सीधी तस्वीरें इस वक्त पेरिस से आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न पहुंची हैं रेड कारपेट प्रधानमंत्री के स्वागत सत्कार के लिए। हमने देखा किस तरीके से भारत का राष्ट्रीय गान वहां पर बजाया गया, उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रीय गान की धुन भी हमने सुनी है। प्रधानमंत्री के इस दौरे की एक तरीके से शुरुआत हुई है, गार्ड ऑफ ऑनर भी असीम प्रधानमंत्री को दिया गया, ये साफ तौर से दिखाता है प्रधानमंत्री के प्रति, भारत के प्रति फ्रांस के सम्मान। बिल्कुल, और इस सम्मान को इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि फ्रांस की प्रधानमंत्री खुद अगवानी के लिए आई हैं एलिजाबेथ बोर्न, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की, आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये समझ सकते हैं किस तरह से, चूंकि विशिष्ट अतिथि भी हैं, कल बैस्टल डे परेड होना है और उस परेड के विशिष्ट अतिथि के तौर पर फ्रांस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया है, इसलिए भी ये बहुत ही खास मेहमान नवाजी, ये खास अगवानी की जा रही है फ्रांस की तरफ से, जहां की खुद वहां की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न एयरपोर्ट पर पहुंची हुई हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करते हुए साथ साथ चलते हुए, वहां पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, पहले भारत के धुन उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रीय धुन। और इस वक्त इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं भारत और फ्रांस के बीच गहरे होते संबंधों को, जब वहां की पीएम खुद अगवानी के लिए पहुंची। बिल्कुल, और निश्चित तौर से भारत के लिए, भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण और सम्मान का एक पल, क्योंकि रेड कारपेट बिछाया है फ्रांस ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए, और भारत को एक तरीके से जो सम्मान दिया अपने राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया और उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे हुए हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, खुद फ्रांस की प्रधानमंत्री उनका स्वागत करने के लिए पहुंची एलिजाबेथ बोर्न, और ये अपने आप में दर्शाता है। और तमाम अन्य लोग भी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस वक्त तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं अजीत डोवाल साहब, इसके अलावा विदेश सचिव और तमाम अन्य महत्वपूर्ण लोग जो कि भारतीय
एक तरीके से शिष्टमंडल का हिस्सा भी हैं जो प्रधानमंत्री के साथ में इस वक्त मौजूद हैं। तो वहीं फ्रांस की ओर से तमाम अन्य आला अधिकारियों, तमाम अन्य लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त परिचय प्राप्त करते हुए, जानकारी हासिल करते हुए, और अब यहाँ से प्रधानमंत्री के आज के इस आधिकारिक दौरे की शुरुआत होने जा रही। संभवतः सुधाकर दास हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अगर सुधाकर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आगे के कार्यक्रम के लिहाज से जानकारी हमारे साथ साझा करें।